कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही मास्टर जी, क्या देख रहे हो? जी, मैं तस्वीर में अपने को पहचानने की कोशिश कर रहे हो? ये आप हो मास्टर जी, जैसे ये मैं हूं, और ये वीरा वाली। मैंने वीरा वाली को बुलाया है, उसे देखकर आपको सब कुछ याद आ जाना है। मैं क्या? कोई भी इंसान ये नहीं जान पाया कि असल में वो कौन है। आप मास्टर हवेली राम हो, लाला गेंदामल और जानकी देवी के पुत्र। लाला गेंदामल? 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 दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो मास्टर जी। ऐसा लगता है जैसे एक दीवार चिंधी गई है मेरे चारों ओर, और उस दीवार में कोई खिड़की खोलना भी बेकार है, क्योंकि उसके पार बस अंधेरा है, खूब अंधेरा। हौसला रखो मास्टर जी, धीरे धीरे आंखें अंधेरे में भी देखने लग पड़ी हैं, फिर नजर आ जाना है कि लैंप किधर है और सिलाई किधर है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से उजाले की ओर। मेरे को लगता है मास्टर जी, रब सब चंगे करेगा। मुझे? मेरे को नहीं। फिर मास्टरी की मूड में आ चली हो तो पढ़ाने ही लगो मास्टर जी। जब बैद सावरिया होगी, इसका मतलब समझाओ मास्टर जी। दर्द दीवानी मीरा का दर्द है ही यही कि उसे सावरिया नहीं मिली। इस दर्द की दवा किसी बैद हकीम के पास कहा, सांवरिया ही बैद बनकर आ जाए तो बगैर दवा ही दर्द दूर हो जाए। दर्द देने वाला ही दर्द की दवा दे सकता है, समझिए जी। बात तो सांवरिया के समझने की है। सांवरिया तो स्वयं प्रभु है, और प्रभु को अपने भक्तों की परीक्षा लेने में कुछ विशेष ही आनंद आता है। ये तो सरासर बेरहमी वाली बात है मास्टर जी। माता जी, मंगला जी आए। आओ बेटिया, बैठो। मैं तो आप ही तुम्हारे यहाँ आने की सोच रही थी कि तुम्हारा और लाला जी का धन्यवाद करूं। वो किस बात के लिए जी? जब से मास्टर जी तुम्हारे यहाँ आने जाने लगे हैं, इनकी हालत में बहुत सुधार हुआ है। राजनीति इनका अपना क्षेत्र है, उसमें लौटकर इनमें सुधार होना ही था। अपने का तो पता नहीं जी, बेगाना जरूर नहीं है। हिंदू मुस्लिम एकता पर जो मीटिंग हुई, उसमें हर बात मुझे कई बार सुनी हुई लगी। मैंने ये भी महसूस किया कि ये सारी बातें एक तरफ अपने ढंग से चलती आई हैं, और असलियत दूसरी तरफ अपने ढंग से। और ट्रेजेडी ये है कि हमारी बातें जितनी बढ़िया है, हमारी असलियत उतनी ही घटिया और घिनौनी। मुल्क तो गिरा पड़ा है कुएं में, और गांधी जी बहुत ऊंचाई से बात कर रहे हैं। तो तुम क्या चाहते हो पुत्र, गांधी जी भी अपनी ऊंचाई छोड़ दे? ऊंचाई कहीं बची हो तब ना,
ऊंचाई तो तभी खत्म हो गई थी जब गांधी जी बंटवारे के वास्ते तैयार हो गए थे। गांधी जी कभी बंटवारे के हक में नहीं थे। मगर हो तो गया, खाई पड़ तो गई आदर्श और व्यवहार के बीच। जरूरत से ज्यादा ऊंचे आदर्श होने तो पड़नी हुई खाई। मास्टर जी दिन भर के थके हुए हैं, उन्हें इस तरह की बहस में मत उलझा पुत्र। तेरे को समझना चाहिए गांधी जी मुल्क के बुजुर्ग हैं। बुजुर्ग का काम टब्बर का मेल मिलाप बनाए रखना है, चाहे वो अलग ही हो जाए, अपनों को तो अपना ही माना जाता है। One for my master, and one for my dame, and one for the little boy who lives down the lane. अरे भाई, little boy को मिला तो master को क्यों नहीं? ये आए कहाँ से? नानी लाई है। क्यों मम्मी जी, किस खुशी में? खुशी तो अरोरा ब्रदर्स वालों को हुई होनी है, जिनका तुमने काम करवा दिया, वही दे गए हैं डाली। और कुछ तो नहीं था ना? मैं आज ही अरोरा ब्रदर्स के आदमी को दफ्तर में बुलाकर सबके सामने डांट के ये डाली वापस करूंगा। पापा प्लीज खाने दो ना। नहीं पुत्र, रिश्वत की चीज नहीं खाई जाती। रिश्वत? What nonsense! ये तो डाली है। काम हो जाने पर जो लिया जाता है ना, उसे रिश्वत नहीं दस्तूरी कहते हैं पुत्र। मम्मी जी, अगर अब आप मेरे दफ्तर के कामों में भी दखल देने लग पड़े तो बात मेरे बर्दाश्त के बाहर हो जानी है। भूषण, dare you talk to mommy जी like that? गलती तो मेरी ही है लोचन, माया मोह से मजबूर होकर मैं समझाने बैठ जाती हूँ भूषण को, लेकिन मेरे को पता है कि इसे तो सब कुछ होते हुए भी उसी तरह भूखों मारना है जैसे कि इसके बाप ने इन लोगों को मारा। मम्मी जी, रिश्वत खोरी के बिना भूख मरी होती हो तो मेरे को वो भी मंजूर है। जरा मेरा टिफिन देना। साहब का टिफिन, दो बटर स्लाइस। लोग बता रहे थे इसी में से तुम औरों को भी ऑफर करते हो। जो मैं खाता हूँ वही खिलाता हूँ। तुम्हारे वर्गे ऑफिसर रियल लंच आप खाते हैं, औरों को खिलाते हैं? अरे खिलाने वाले इतने होते हैं कि आप खिलाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। मम्मी जी माफी चाहता हूँ, मैं बेईमानी नहीं कर सकता। पुत्र, तू तो उस पैसे के वास्ते भी कोशिश नहीं कर रहा जो ईमानदारी से मिल सकता है। जी कौन सा पैसा? क्लेम का। कितनी बड़ी पुश्तैनी जायदाद छोड़ के आए हो लाहौर में? वो तो सारी ताया जी के नाम थी। लेकिन उनका वारिस बचा कौन है? लभाया राम के वास्ते कहते हो तुम लोग, लेकिन अगर वो होता तो अभी तक भर ना चुका होता क्लेम। तू तो आप पता करके आया है कि उसमें क्लेम नहीं भरा। वो भरे तो भी हम भर सकते हैं, लड़ सकते हैं, दो गवाह जुटाने की ही तो बात है। और क्या, लोग तो झूठे क्लेम भर रहे हैं। पर पुत्र, तेरे को तो एक क्लेम अपने घर के लिए भी भरना है ना। ताजी वाली जायदाद का हो या अपनी का, क्लेम तो पिताजी ही भर सकते हैं। लेकिन जब आप लोगों ने उन्हें यहाँ रहने ही नहीं दिया तो मैं उनके पास किस मुंह से जा सकता हूँ? ना रहने देते तो भी गनीमत था, मगर आपने तो उन्हें पागल खाने में डलवाने की बात कही। इलाज के वास्ते ही ना, अब नहीं करवा रहे हैं वो लोग इलाज। पुत्र तू मेरी बात सुन, अपने माता जी पिताजी के पास जाने में तो शर्म कैसी। तू आज शाम जल्दी आ जाना, हम सब साथ चले जाने हैं, जाकर उन्हें मनाने हैं। मुझे आज दफ्तर में बहुत काम है। तो कोई बात नहीं, हम चले जाने हैं, तू बाद में हो आना। ठीक है मम्मी जी। पर मम्मी जी, इस बारे में तो आपकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है मंगला जी। नहीं मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तो आपके जैसी कोई लड़की नहीं देखी। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते जी। मंगला जी को तो आप जानते हैं? इनको कौन नहीं जानता। प्रिंस मेरी किताबें मुझे दे दो और इनकी बाल्टी उठा लो। मैंने ये बाल्टी भी उठा लेनी है जी। नहीं नहीं नहीं, नहीं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे को बोझ उठाने की आदत है। अच्छा मंगला जी नमस्ते।
बहन जी, तुम रब को याद करते रहने वाले लोग हमारे बीच आकर बस गए हो। इसका कुछ फायदा तो हमको भी पहुंचना चाहिए ना। रब से हमारी बबली बेचारी की शादी के वास्ते दुआएं मांगो। हमने सहारनपुर जाने का फैसला तो कर लिया, लेकिन इस लड़की को किसके भरोसे छोड़कर जाएं? यूं तो हमारी कुछ लगती नहीं, मगर साथ रहते रहते मुंह सा हो गया है। बहन जी, मुंह तो हमें भी बहुत हो गया है बबली से। मैंने उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लेना है। तो बनाओ जी, देरी कैसे? आप तो कहते थे कि रोशन के पिताजी आ जाएं, फिर बात कर लेने। अब रोशन तो राजी होता नहीं है शादी के वास्ते। सतबीर से कर देने हैं, लेकिन जरा इनकी तबीयत संभल जाए फिर। जबान तो आप दे सकते हो। बहन जी, जबान तो शुरू से दी हुई है। मैंने बबली को अपनी बीबी रानी बनाना है। तो लो, मुंह मीठा करो। दफ्तर जा रही हो? हाँ जी। दफ्तर से लौटते हुए मंदिर और गुरुद्वारा दोनों जगह पर मत्था जरूर टेकाना। मैंने अभी अभी लाजो जी से तेरी और सतबीर की बात पक्की कर ली है। प्रसाद भी चढ़ाना होगा? जरूर, चार आने का प्रसाद मेरी ओर से भी। ये क्या कर रही है पुत्र? तेरे सासू जी लिपस्टिक लगाने के खिलाफ है। वो तो गंवार है। सास ससुर को खुश करने के लिए तू कुछ दिन तक वैसा ही कर और वैसा ही कह जैसा मैं बताऊं। मम्मी जी, मेरे को तो उन लोगों की सूरत से भी नफरत है, और आप कहते हो कि मैं इनको खुश करूं। कुछ दिन तक ऐसा ही समझ ले कि ये भी एक ड्रामा है। एक बारी क्लेम श्लेम भर जाए, मुख्तारी भूषण के नाम हो जाए, ड्रामा खत्म। मास्टर जी, आज मेरे को तनख्वाह मिली तो मैं आपके लिए ये फूल लाई। जितना बड़ा फूल मैं खुद, उतना ही बड़ा फूल मुझे पसंद है। यहाँ आने के बाद आज आप पहली बार हंसे हो मास्टर जी। आप तो ये बोलने ही लग पड़े थे कि आपका सेहत के खातिर दिन में एक बार हंसने का नियम है। क्या जी, हंसी का भी कोटा? हाँ मास्टर जी, हाँ। अच्छा जी, मैं जरा सैर करके आता हूँ। हाय रब्बा, कितना चंगा दिन है आज। हंसी का कोटा भी पूरा कर लिया और सैर करने भी निकल पड़े। दादी जी, दादी जी आ गए। मेरा निक्का, आओ बहन जी आओ। आज तो बड़े दिनों बाद। बहन जी, मैं तो तड़प रही थी आपको मिलने के वास्ते, लेकिन भूषण पुत्र को फुर्सत ही नहीं मिलती काम से। हार के आज मैंने कहा हम अकेले ही चले जाएंगे। पैरी पौना माता जी। जी की जाए। अरे चंगी तरह कर पैरी पौना, ये क्या तरीका हुआ? मेरे को आता है चंगी तरह पैरी पौना करने, मैं करूँगा। तू इतना बड़ा हो जा, तू दादी को भूल गया? रात दिन दादी के नाम की ही माला जपता रहता है ये तो। कल इसके पापा 5 ट्रॉफी लाए, बांटने पर एक बची, तो मैंने कहा ये नानी को दे दे। कहता है नहीं, दादी को दूंगा। निक्के ने दादी को दी, दादी ने निक्के को। दादी जी, गोभी के पकौड़े बनाने चले हो? तेरे को खाने हैं तो मैंने जरूर बनाए। आते ही खाने की बात लेकर बैठ गई मरजानी। खाने का इतना ही मन है तो माँ बेटी मिल के बनाओ, दादी को क्यों परेशान करते हो? जी मेरे को काटने दो ना माता जी। अरे तू बैठ बीबी रानी, मैंने बना लेने। बहन जी, इसी तरह तो आपने इसे सिर चढ़ा दिया है, रोटी तक तो यहाँ से भेज देते हो आप। आपकी इकलौती बेटी है, इसे हमने प्यार से रखना ही हो। चल छोड़ बीबी रानी, मैंने बना लेने हैं पकौड़े। नहीं जी नहीं, ये करेगी आपकी सेवा, इसे आप एक मौका तो दो सुधरने का। खराबी क्या है मेरी बीबी रानी में? जी मैं माँ हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी बेटी की खाने ही ना देखूं। और सब अच्छी है, लेकिन इसे पुराना तौर तरीका नहीं आता और ये साथ रहना नहीं जानती। कोई बात नहीं जी। कोई बात किस तरह नहीं,
साथ नहीं रहने हैं तो अपनों से अपनापन खत्म हो जाना है। अब तो बहन जी मेरी लोचन भी अपनी नासमझी पे पछता रही है। आज ही आपसे ये कहने आई है कि आप सब लोग साथ रहो और मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आप इसकी बात को मान लेना। बहन जी मैं तो पुत्र ना इसे मत बजा, मैं तेरे दादाजी के वास्ते मांग के लाई हूँ। मेरे को दादाजी का गाना सुनाओगे? निक्का दादी की माला जपता है और कुकी दादा की। ये बच्चे तो दोनों आपको बहुत मिस करते हैं। हमें तो आप शायद ही माफ कर सको, मगर इन्हें कर दो, इनकी खातिर आजा हमारे साथ। मैं तो आप इकट्ठे रहने के हक में थी, बच्चे ही नहीं माने। बहन जी अब हम बुजुर्गों ने फैसले करने हैं और बच्चों से मनवाने हैं। तो ठीक है, मैं कल आपको ऑफिस से पिकअप कर लूंगी। अब आप जाके आराम कीजिए, इस तरह तकल्लुफ में तो मैं आपको आपकी छोलदारी तक और आप मुझे कैंप के गेट तक बार बार छोड़ते ही रहेंगे। अरे हाँ मैं तो कहना ही भूल गया, आज सरस्वती में मैंने आपकी कविता देखी, मेरे को तो पता ही नहीं था आप कविता भी लिखते हो। कैसी लगी? जी अच्छी थी लेकिन। कह डालिए। थोड़ी ज्यादा रोमांटिक लगी, मेरे को ऐसा लगा कि आप कीट से बहुत ज्यादा प्रभावित हो। आपको नहीं पता था कि मैं कविता लिखती हूँ और मुझे नहीं पता था कि आप आलोचक है। जी मामूली सा पाठक हूँ, आलोचक नहीं। हमारे बीच पॉलिटिक्स के बाद एक और कॉमन पॉइंट निकला, पोएट्री। जय को तो दोनों में ही दिलचस्पी नहीं है। अच्छा नमस्ते। नमस्ते अंगला जी। सतबीर जी। क्या बात है? ये प्रसाद ले लो। अरे प्रसाद क्यों बांट रहे हो आप? निहालदेही मौसी ने कहा है। मुझे? इस करके कि वो आपकी माता जी से बात करके आए। क्या बात? आपकी शादी की। जी मेरी शादी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और मेरी शादी की बात होने पर आप क्यों प्रसाद बांटने लगे? जी क्योंकि। जी मेरा कहना तो ठीक नहीं लगता, लेकिन आप निहालदेही मौसी से कह देना कि सतबीर ने नहीं करनी शादी। बोलिए क्या सुनेंगे? मेरे को देश राग बहुत पसंद है मास्टर जी, वही सुना दो। माता जी। अरे भूषण पुत्र आ। पैरी पौनो पिताजी, पैरी पौनो माता जी। तेरे पिताजी की तबीयत आगे से काफी संभली हुई है, कल बच्चों को देखकर तो और भी खुश हो गए थे। माता जी कल लोचन आपसे बात कर गई होनी है। माता जी मेरे ख्याल से अब हमें इकट्ठा ही रहना चाहिए। मेरे से क्या कहता है पुत्र, मैं तो शुरू से ही इकट्ठे रहने के हक में थी। माता जी जब लोचन आपसे माफी मांग रही है तो आपको माफ कर देना चाहिए। मेरी तरफ से कब मनाई है पुत्र, मैं तो ये भी नहीं कहती कि कोई मेरे से माफी मांगे। जी जी तब तो मैं एक और कमरे का इंतजाम कर देता हूँ। अच्छा तू घर होके आया है कि सीधे दफ्तर से? जी सीधा ही आया हूँ। तब तो तेरे वास्ते चाय बनानी होगी। नहीं माता जी आप तकलीफ ना उठाएं। बगैर चाय के तेरे सर में दर्द हो जाता है, मैं बबली से चाय पत्ती ले आती हूँ। पिताजी इन पर आपके दस्तखत कराने थे। जी मेरे? क्या है ये? जी ये क्लेम के कागज है बिच्छू वाली के मकान के। बिच्छू वाली? और ये जी लाला गेंदामल के जायदादों के क्लेम के कागज। जी आपको तो पता ही है कि ताया जी रलियाराम और उनके टबर के दूसरे लोग दंगों में मारे गए थे। उनको अग्नि दी किसी ने? जी नहीं। तो पिताजी लभाया राम तो जरूर बचा था, लेकिन हाल तक उसने लाला गेंदामल के प्रॉपर्टी का क्लेम भरा नहीं है। आप ही भर दो, आप ही तो वारिस हो।
लावारिस लाशों का वारिस। पिताजी आप यहां साइन कर दो और अपना नाम लिख दो। नाम? मेरा नाम क्या है? हवेली राम बल्द गेंदामल। गेंदामल गेंदामल गेंदामल। निहाल दे जा रही है तो क्या हुआ भाभी? मैं तो हूँ ना मत। चल भूषण के लिए चाय बना। चल साइन कर दो पिताजी। भूषण ये तो क्या कर रहा है पुत्र? क्लेम भरवा रहा है मुझसे लावारिस लाशों के लिए। इसे भूल जाओ मास्टर जी, मैं आपके लिए पेटी का बाजा लाई थी, आप मेरे को राग देश सुना रहे थे, सुनाओ मास्टर जी। गलत राग के लिए कह रहे हैं आप, आपने गौर नहीं किया? बड़े सवेरे मरते हैं ज्यादातर लोग, और वक्त पूछते हुए जैसे जानते हो ब्रह्म मुहूर्त में ही मरना है। का कहानी माना बाबा। तो फिर पुराना किला कैंप क्यों गई थी? मैं रोशन के बीमार पिता को घर छोड़ने गई थी। रोज उसका बीमार पिता को छोड़ने जाती है? मैं वहाँ रोज नहीं जाती। कोई अगर आपसे ऐसा कह रहा है तो झूठ बोल रहा है। जो भी मेरे लिए लॉयल है उसे तू झूठा बोलती है। क्या मैं आपके लिए वफादार नहीं हूँ?